आपको जरा दिल्ली की सूरत बता दे, इस वक्त कैसी है? आज भी दिल्ली में दम घोटू हवा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल जानलेवा स्तर पर है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 431 है, जिसका मतलब ये कि दिल्ली का प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात काफी गंभीर है। वहीं आज से दिल्ली में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल बंद करना। बीजेपी ने केजरीवाल को इस बीच इस पूरे मुद्दे पर घेरा है और उन्हें बताया है हिटलर। तो अलग अलग आप तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, और दूर दूर तक जहां पर देखिए धूल स्मॉग की मोटी परत आप देख पाएंगे, विजिबिलिटी जिसके चलते काफी ज्यादा कम है। दिल्ली से हमारे सहयोगी तरुण कुमार हमारे साथ है। तरुण, आप और हम तो दिल्ली में ही हैं और हमें बखूबी मालूम है कि किस कदर यहां पर हालात बेहद गंभीर हैं और लोगों की सेहत तक इस पर काफी गंभीर असर पड़ रहा है। जरा बताइए, एक तो स्थिति फिलहाल कैसी है आज, और दूसरा कई पाबंदियां इस के चलते जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसके तहत ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, क्या बदलाव आज से है इस पूरे गंभीर श्रेणी के पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार की ओर से? देखिए स्वाति, 3 दिन पहले इस साल ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि असम, अगर मौसम विभाग का अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, तो उसी प्रिडिक्शन के आधार के ऊपर CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वो ग्रैप के नियम लागू करता है। अब IMD ने ये कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि सीवियर प्लस की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। लेकिन सरकारी प्रयास, समाज का साथ और भगवान का हाथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली के अंदर आधी रात से जो विंड स्पीड है वो थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस समय कर्तव्य पथ पर खड़ा हूं और अपने वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी को कहूंगा कि वो पीछे की तस्वीरें एस्टेब्लिश करें, जिससे कि दर्शकों को भी समझ में आएगा कि भगवान का हाथ होना कितना जरूरी है। विंड स्पीड बेहतर होने के कारण इस जगह से पिछले 2 दिनों के दौरान मैं दिल्ली का पॉल्यूशन रिपोर्ट करने के लिए आता रहा हूं, लेकिन मुझे यहां से राष्ट्रपति भवन तो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, हल्का सा ब्लीक इमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी नहीं दिखाई देते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि कर्तव्य पथ पर, जो कि जनपद का इंटरसेक्शन है, वहां से राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो स्थिति यहां पर थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जो इस समय का AQI दिल्ली का है वो 408 रिपोर्ट हो रहा है, हालांकि वो अभी भी सीवियर की कैटेगरी के अंदर है, चूंकि 400 से ऊपर जब वो चला जाता है तो ग्रैप के अलग अलग नियम लागू करने पड़ते हैं। इस स्थिति को बताने के लिए तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। मैं 180 डिग्री कैमरा थोड़ा पैन भी करूंगा, जिससे कि आपको वो भी तस्वीर दिखाऊं जो देखनी बहुत इस समय सुखद है, क्योंकि इस जगह पे खड़े होकर मुझे इंडिया गेट बीते 48 घंटों के दौरान नहीं दिखाई देता था, जो कि 408 के AQI के ऊपर अब संभव हो पा रहा है। धुंधला ही सही, लेकिन एस्टेब्लिश हो रहा है कि देखिए सामने इंडिया गेट है। अब कंपैरेटिव फिगर की बात करते हैं, जो CPCB का पिछले 24 घंटे का क्यूमुलेटिव फिगर है वो डेली का AQI 447 रिपोर्ट कर रहा था, और इस समय जो आवरली बेसिस के ऊपर AQI है वो 408 रिपोर्ट कर रहा है। और हवा की रफ्तार का असर देखने के लिए मिल रहा है, जो हेल्थ हजार्डियस वायुमंडल होता था, खतरनाक स्थिति का गैस चैम्बर जिसको राजनीतिक गलियारों में कहते हैं, वो जो स्मॉग की चादर थी, जो छटा थी, वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसी तरह से हवा बहती रही, 8-9 किलोमीटर से ऊपर अगर वो रिपोर्ट हुई तो दिल्ली का जो AQI था वो बेहतर स्थिति के अंदर, कम से कम वेरी पुअर की स्थिति के अंदर दिखाई देगा। लेकिन बहुत जरूरी है ये भी कि 400 का भी जो AQI है या फिर 300 से 400 का जो ब्रैकेट है वो हेल्थ हजार्डियस इस लिहाज से भी है कि वो एक वल्नरेबल सेक्शन बच्चों को और बुजुर्गों को प्रभावित कर सकता है। जहां तक ग्रैप के चौथे चरण की आपने बात की, वो IMD के इसी प्रिडिक्शन के आधार के ऊपर CAQM ने लागू कर दिया था, जिससे कि जो प्राइमरी सेक्शन था यानी कि 5वीं तक के स्कूल हैं वो पूरी तरह से क्लोज कर दिए गए हैं। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी 5th स्टैंडर्ड के अपवर्ड्स वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, यानी कि स्कूल बच्चे जा सकते हैं लेकिन प्लेग्राउंड में नहीं जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट जो अदर देन ग्रीन फ्यूल के ऊपर चल रही थी, गैस के ऊपर नहीं चल रही थी, उसका कंप्लीट क्लोजर है। डीजल के ट्रकों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। BS3 पेट्रोल के लिहाज से और डीजल के लिहाज से BS4 के स्टैंडर्ड के व्हीकल, उनका आवाजाही दिल्ली के अंदर बिल्कुल बाधित है। 3 दिनों के अंदर अगर
दिल्ली का AQI 400 से नीचे रिपोर्ट होता है तो CAQM विवश हो जाएगा कि एक चरण पीछे डाला जाए ग्रैप को और वो 3 की स्टेज के ऊपर आ जाए। अगर भगवान का हाथ इसी तरह से बना रहा और सरकारी प्रयास, ये आपने बिल्कुल सही बोला तरुण कि ग्रैप 4 के नियम अभी लागू है दिल्ली में, और आपने बहुत ही बखूबी तस्वीरें दिखाई और वो दिखाने के लिए काफी था कि इतने दिनों के अंतराल में स्थिति कुछ इसलिए सुधरी है आज, कुछ मतलब 19-20 जिसको हम फर्क कहते हैं, क्योंकि हवा की स्पीड थोड़ी बढ़ी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार ने स्टेप लिए हैं उसकी वजह से स्थिति सुधरी है, ये तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस थोड़े हुए, हल्का फुल्का हवा बढ़ी उसकी वजह से स्थिति सुधरी है, शायद हर बार इसी भरोसे सरकार भी रहती है। धन्यवाद करेंगे तरुण हम तक ये ताजा तस्वीरें और अपडेट पहुंचाने के लिए।